Welcome class 10th in online classes of biology. This is first online class after your FA2 exam. I think all of you have solved complete questions of science. बढ़िया था पेपर, बहुत इजी था. कैसा किए होंगे अब पता चल जाएगा हमको, कल ही आजकल में पता चल जाएगा. एनीवे, एक नई नोटिस आपके ग्रुप में तो शायद आजकल में आ जाएगी, हम आपको बता दे रहे हैं पहले से. रिटर्न एग्ज़ाम, यू हैव कंप्लीटेड योर रिटर्न एग्ज़ाम ऑफ FA2 फॉर्मेटिव असेसमेंट. नाउ योर ओरल वाइवा इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन मंडे. योर ओरल वाइवा इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन मंडे ऑन जूम ऐप. तो क्या करना है, शायद सभी बच्चे जूम ऐप डाउनलोड किए होंगे पहले से. ठीक है, आपका मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को साइंस और मैथ्स का वाइवा पड़ेगा और बैच वाइज हम लेंगे वाइवा. बैच वाइज 4-5 बच्चों का एक बैच में उनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, जो जानता होगा वह आंसर बताएगा. उसी के हिसाब से, उसी के बेस पर आपकी मार्किंग है और ये मार्किंग बोर्ड को जानी है. इंटरनल असेसमेंट की ये मार्किंग बोर्ड को जानी है, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा सब. ठीक है, एकदम प्रिपेयर करिए. केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी, साइंस का तीनों पार्ट खूब मन से प्रिपेयर करिए. बहुत जल्दी आपके ऐसे एग्जाम भी हम लोग लेने वाले हैं, फर्स्ट समेटिव असेसमेंट एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम बहुत जल्दी लेने वाले हैं. बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस SA1 एग्जाम एंड वाइवा विच इज गोइंग टू बी हेल्ड जस्ट आफ्टर 2-3 डेज. बढ़ गई हार्ट बीट सबकी. ये सब सारे सब्जेक्ट में होने वाला है. हम तो अपने सब्जेक्ट का आपको बता दिए क्योंकि सबसे पहले शायद वही हो आपका. अभी डिस्कशंस होंगे मैनेजमेंट से हम लोगों के, शायद वही होगा. एनीवे, हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स का आपको चार्ट पेपर बनाने के लिए दिया था, ड्रॉ करके. किसी ने नहीं दिखाया हमको, दिखाया भी है तो हमको बायोलॉजी शीट में और कॉपी में ड्रॉ करके दिखाया है. वो हम नहीं चाहते थे. हम चाहते थे कि आप 5 रुपया खर्च कर दीजिए, बड़ा वाला बायोलॉजी शीट खरीदिए, बड़ा वाला चार्ट पेपर जो कलर्ड मिलता है, वाइट ही लीजिए, कलर्ड मत लीजिए, वाइट ही लीजिए. और उस पर जितने भी तरह का हम लोग वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जितने भी तरह का पढ़े हैं उनका खूब सुंदर सा फिगर डायग्राम बना करके और नीचे लिखिए ये इस तरह का रिप्रोडक्शन है, ये इसके ये एग्जांपल्स हैं. ये हम चाहते थे, आप लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं. जैसे ये आप चार्ट पेपर, हम बाई नेम बता देंगे कि कौन बच्चे बनाएंगे. होमवर्क कत्ता ही नहीं हो रहा है. हम बाय नेम बता देंगे कि कौन बच्चे बनाएंगे अगर आपकी बारी हमको नहीं मिलता है तो. ये चार्ट पेपर आपका है, फुल साइज का चार्ट पेपर. इसमें आप ऊपर हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन या हेडिंग डालेंगे और यहाँ से सीधा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हम बनाए यहाँ पे फिशन. ठीक, तो फिशन को ऐसे कट करके फिर दो कर दीजिए, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन. ठीक, उसके बाद बाइनरी फिशन का यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए, ये बाइनरी फिशन हो गया. यहाँ पे मल्टीपल फिशन का डायग्राम बना दीजिए, ये बस. अब आप बनाएंगे थोड़ा और अच्छा बनाएंगे और खूबसूरत, मल्टीपल फिशन का डायग्राम हो गया. यहाँ नीचे इसका एग्जाम्पल आप लिख देंगे, यहाँ नीचे इसका एग्जाम्पल लिख देंगे. ऐसे ही जो भी है आगे, बडिंग है, जो भी है, स्पोर फॉर्मेशन है, जैसा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. तो ये पूरा चार्ट पेपर ऐसे आपका फिल हो जाएगा. यहाँ पे आप अपना नेम लिख देंगे. इस तरीके से हम चाह रहे थे, लेकिन या तो बच्चे समझ नहीं पाए और या तो बच्चे जानबूझ के करना नहीं चाहते हैं. बिल्कुल करना पड़ेगा आपको. साइंस इज प्रैक्टिकल, साइंस इज रियल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. इट इज रियल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. And we are having 20 internal assessment mark, which is at present given on Viva. लेकिन मौका मिलेगा तो आगे आपको लैब में ही वो मार्क दिया जाएगा. ठीक है, anyway इसके लिए प्रिपेयर रहिए आप अपने Viva के लिए. और ये चार्ट आप बना के भेजिए,
हम पढ़ते हैं आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन इज अ टाइप ऑफ एनिमल विच इज हैविंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। ह्यूमन बीइंग इज सच टाइप ऑफ एनिमल इन विच सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड। अब ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन्स होता है सेक्स। हम मेल फीमेल को देख के पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके भीतर सेक्सुअल इनकी मॉर्फोलॉजी सेक्सुअल बेस पे डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग होती है। किसी फीमेल को देख करके हम ये नहीं कह सकते अरे वो मेल है, केवल देख के। उसको बताना नहीं पड़ेगा, उसको चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि हम ह्यूमन फीमेल है, हम ह्यूमन फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख के बता सकते हैं कि ऐसा कई एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स में थोड़ा और क्लियर पाया जाता है। जैसे काऊ है तो काऊ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, छोटे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है काऊ में। वो भी एग्जांपल मैमेलिया का ही है। कैमल है, कैमल में बहुत ज़्यादा मेल फीमेल। हॉर्स है, मेयर है, हॉर्स मेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा जब तक वो बहुत बड़े ना हो जाए। तो ऑल्दो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज सीन इन मैनी मैमल्स, बट इट इज स्पेशलाइज्ड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। वी कैन आइडेंटिफाई मेल्स एंड फीमेल्स जस्ट बाई देयर मॉर्फोलॉजी, पहली बात। ठीक, अब दूसरी बात, जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो तो सेक्सुअल है ही है ह्यूमन बींग्स में। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, एज वी हैव स्टडीड अबाउट गैमीट्स, गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, फीमेल गैमेट। अब हम टोटली ह्यूमन बीइंग का पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग का डायरेक्ट हम लिखते हैं मेल गैमेट आर नोन एज स्पर्म्स इन ह्यूमन बीइंग, फीमेल गैमेट्स आर नोन एज ओवम। ठीक, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। Of course, this spermatogenesis is a type of meiotic division. It is not mitotic division. It is a type of meiotic division. So, as a result of spermatogenesis, sperms are formed. This process is held in one pair of testes. ये हम लोग पढ़ेंगे, इसका structure हम लोग पढ़ेंगे और कैसे formation होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे, अब ये क्या है, ये एन नंबर क्रोमोसोम है इसके भीतर, और जहाँ से ये बना है जिनको हम स्पर्मोसाइट्स कहते हैं, स्पर्मोसाइट्स से ये बना है, यह साइट लिख देते हैं। ये 2n है, 2n से 1 डिवीजन कौन सा हुआ, मियोसिस। ठीक है, ये किसमें होगा, ये होगा आपका मेल। यूनिट क्या हुआ, स्पर्म, फीमेल्स में चलता है। ओवम, रिप्रोडक्टिव यूनिट इज ओवम। फॉर्मेशन इज नोन एज ओवोजेनेसिस, देयर ओवम्स आर फॉर्म्ड बाय ए स्पेशल प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ओवोजेनेसिस। दिस ओवोजेनेसिस occurs inside the ovary. These ovaries are also one pair, as in case of males, testes are one pair. ठीक है, one pair. ये भी ovum भी n number chromosome, मतलब haploid, n number को haploid हम कहते हैं। ठीक है, और ये ovary की जिन cells से बना हुआ है उन cells में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n थे,
यानी कि वो सेल डिप्लॉयड थे, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बना, कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, कौन से टाइप का सेल डिवीजन यहाँ पे हुआ होगा, मियोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन का एक और नेम है, क्या नेम है, RD, रिडक्शन डिवीजन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन बिकॉज ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, जबकि पहला वाला जो माइटोसिस है उसका दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन। इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम एज इन केस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद आ रही है हमको, ये हमको आप लोग बताएंगे क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, व्हाट इज मेनोपॉज। नाउ कम टू योर बुक, इन योर बुक इट इज रिटन दैट सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are most interested, namely humans. Humans use sexual mode of reproduction. How does the process work? अच्छा, हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि एक टॉपिक इसमें दिया हुआ था, why sexual mode of reproduction? Sexual mode of reproduction क्यों necessary है? Simple सा answer है, because variations occurs only in case of sexual reproduction. Variation doesn't occur in case of asexual or vegetative mode of reproduction. ठीक है, आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है, let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our body changes as we become older. Our height increases from class 1st to class 10th, and so does our weight, sometimes too much. We acquire teeth, we even lose the old so-called milk teeth. ये सारे changes होते हैं human beings में, पहले deciduous teeth हम लोगों के पास होते हैं, सबको पता है, सबसे पहले milk teeth, उसके बाद permanent teeth, उनका formula भी है, formula हम पढ़ाए हैं आपको पिछले class में। ठीक है, क्या formula था, कुछ याद आ रहा है, ICPMM इंडिया का Prime Minister मोदी, याद आ गया। चलिए आगे लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज चेंजेस, ये चेंजेस आते हैं, छोटा सा बच्चा आप फर्स्ट में जैसे थे क्या वैसे ही टेंथ में हैं, चेंजेस आए हैं, तो ये चेंजेस मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग आते हैं। क्यों आते हैं, ये चैप्टर टू जो आप अब आपके सिलेबस में नहीं है उसमें हम लोग पढ़े थे, ड्यू टू हॉर्मोन्स, दीज चेंजेस आर नोन एज हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, दीज चेंजेस ऑकर्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये सारी बातें हो चुकी हैं इस चैप्टर में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल्स एंड ह्यूमन फीमेल्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। योर टुडेज होमवर्क इज, टुडेज होमवर्क इज रिवाइज पेज नंबर 134 टू 136 एज वी हैव स्टडीड टुडे। ये तो आप पढ़ेंगे ही, 124 टू 126 आप रिवाइज करेंगे, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। स्टूडेंट्स स्टे होम एंड बी सेफ, थैंक यू क्लास 10th।